दोस्तों, ये थी वो वीडियो जो आपने शुरू में देखी है, थोड़ा सा पार्ट। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो जाके फटाफट से इस वीडियो को देख लीजिए, किस तरीके से मैंने बजाया और बहुत सिंपल सा बजाने का तरीका है। देखिए, 1 2 3 4। और दोस्तों, ये पैच बहुत ही शानदार बजता है जागरण में, तो फटाफट से हम इस पैच की एडिटिंग देख लेते हैं। इसकी फुल वीडियो बजा के मैंने दिखाई है आपको लास्ट टाइम में, तो आप वहां से जाके इस वीडियो का जो है देख सकते हैं पार्ट किस तरीके से बजाने हैं। तो आइए इसकी एडिटिंग शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं ए पार्ट और फर्स्ट कॉलम स्मॉल टी 37 इंस्ट्रूमेंट है, लेवल है 15, पिच है 11, डीके है 0, पैनल सेंटर में कर VP4 और FX 0 है। आइए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ हम बी पार्ट में। F07 इंस्ट्रूमेंट, लेवल है 15, पिच है 11, डीके है 13, पैनल सेंटर में कर VP4 और FX 0 है। आइए दोस्तों, बात कर लेते हैं हम यहाँ पे सेकेंड कॉलम ए पार्ट। इंस्ट्रूमेंट है स्मॉल टी 37, जिसका लेवल है 15, पिच है 7, डीके है 0, पैनल सेंटर में कर VP4 और FX 0 है। आइए बात कर लेते हैं दोस्तों सेकंड कॉलम और बी पार्ट में। F07 इंस्ट्रूमेंट, लेवल है 15, पिच है 7, डीके हमारा है 13, पैनल सेंटर में है, कर VP4 है और FX हमारा 0 है। आइए दोस्तों, बात कर लेते हैं थर्ड कॉलम ए पार्ट। लेवल है, इसमें इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है टी स्मॉल टी 37 और लेवल है 15, पिच है -1, डीके है हमारा 0, पैनल सेंटर में कर्व EP4 और FX हमारा 0 है। आइए दोस्तों, बात कर लेते हैं हम यहाँ पे थर्ड कॉलम बी पार्ट। F07 इंस्ट्रूमेंट, लेवल हमारा है 15, पिच है हमारी 0, डीके है हमारा 13, पैनल सेंटर में कर्व EP4 और FX हमारा 0 है। आइए दोस्तों, बात कर लेते हैं फोर्थ कॉलम ए पार्ट। यहाँ पे मैंने B47 बेस लगाया हुआ है, जिसका लेवल मैंने रखा हुआ है 15, पिच है 0, डीके है 19, पैनल सेंटर में कर VP4 और FX हमारा 0 है। आइए दोस्तों, बात कर लेते हैं हम यहाँ पे फोर्थ कॉलम बी पार्ट। C02 इंस्ट्रूमेंट लगे हुआ है, जिसका लेवल है 15, पिच है -4, डीके है 10, पैनल सेंटर में कर VP4 और FX हमारा 0 है। आइए दोस्तों, बात कर लेते हैं हम यहाँ पे फिफ्थ कॉलम ए पार्ट। यहाँ मैंने L30 इंस्ट्रूमेंट लगाया हुआ है, लेवल मैंने रखा है 15, पिच है हमारी 0, डीके है हमारा 20, पैनल सेंटर में है, कर्व EP4 है और FX हमारा 15 है। आइए बात कर लेते हैं दोस्तों फिफ्थ कॉलम बी पार्ट। स्मॉल H27 लगाया हुआ है, डिले है पैड के अंदर, वो मैं आपको सेटिंग बता दूंगा, इसलिए वीडियो को आप पूरा देखिए। H27 फिफ्थ कॉलम बी पार्ट इंस्ट्रूमेंट, लेवल है 15, पिच हमारी है 2, पैनल हमारा डीके हमारा 20, पैनल सेंटर में है और कर VP4 है और FX हमारा 15 है। आइए दोस्तों, बात कर लेते हैं हम सिक्स्थ कॉलम ए पार्ट में। यहाँ पे मैंने I20 इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है, लेवल है 15, पिच है 6, डीके है 20, पैनल सेंटर में है, कर VP4 है और FX 0 है। आइए दोस्तों, बात कर लेते हैं हम यहाँ पे सिक्स्थ कॉलम बी पार्ट में। कैपिटल H12 इंस्ट्रूमेंट, लेवल हमने रखा है 15, पिच है हमारी -2, डीके है 0, पैनल सेंटर में, कर्व EP4 और FX हमारा 0 है। दोस्तों, आइए बात कर लेते हैं हम यहाँ पे सेवेंथ कॉलम ए पार्ट में। L27 इंस्ट्रूमेंट, लेवल है 15, पिच है -4, डीके 20, पैनल सेंटर में, कर VP4 और FX हमारा 0 है। आइए दोस्तों, बात कर लेते हैं हम लोग सेवेंथ कॉलम बी पार्ट। स्मॉल H27 इंस्ट्रूमेंट, लेवल मैंने रखा है 15, पिच है -3 और डीके है हमारा 20, पैनल सेंटर में है, कर VP4 है और FX हमारा 0 है। आइए दोस्तों, बात कर लेते हैं हम यहाँ पे एट्थ कॉलम ए पार्ट में। B47 इंस्ट्रूमेंट है और लेवल है हमारा 15, पिच है 0, डीके हमारा 16 है, पैनल सेंटर में है, कर VP4 है और FX हमारा 0 है। आइए दोस्तों, बात कर लेते हैं हम एट्थ कॉलम बी पार्ट में। A15 इंस्ट्रूमेंट है,
और लेवल मैंने रखा हुआ है 15। डिके हमारा पिच है हमारी 0, डिके 20 है, पैनल सेंटर में है, कर्व EP4 है और FX हमारा 0 है। तो दोस्तों यहाँ हमारा ये पैच की एडिटिंग पूरी हो जाती है। आइए देख लेते हैं हम जो हमने डिले लगाया है वो कैसे, जब आप पैच बना के बाहर आएंगे दोबारा से एडिट बटन यहाँ पे आप देखिए प्रेस कीजिए और फिर आपको यहाँ पे सिलेक्ट बटन को प्रेस करना है, लाइट चली जाएगी मिडी पे, देन एक बार उसके बाद और करना है तो FX ऑब्लिक पैडल पे लाइट जाएगी, जब इंस्ट्रूमेंट पे लाइट रहेगी तो 20 कर देना है, लेवल पे लाइट रहेगी 10 कर देना है, पिच हमारी जब लाइट जाएगी तो यहाँ 10 कर देना है, डीके डबल एच कर देना है, पैनल यहाँ 10 कर देना है और कर्व पे लाइट रहेगी तो 4 कर देना है। उसके बाद आप सिंपल से सिलेक्ट दबा के अपने दोबारा से साउंड पे आ जाएंगे और यहाँ से हमारा पैच बन के तैयार हो जाता है। दोस्तों अगर इसे बनाने में बजाने में आपको कहीं भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट में मुझे बताइए, मैं दोबारा से इसको बहुत अच्छे से समझा दूंगा। तो बने रहिए हमारे चैनल पर जिसका नाम है ऑक्टोपैड मेनिया।